कुरुक्षेत्र हम पहुंचे हैं। गीता जयंती कुरुक्षेत्र, जहां पर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। हम आप दिखा रहे हैं यहां पर, देखिए जरा, ये आपको दिखाते हैं गीता जयंती का भव्य नज़ारा। 48 कोस कुरुक्षेत्र 48 कोस में फैला हुआ है, इसके बारे हम अभी आपको दिखाएंगे। कुरुक्षेत्र ये आपको दिखाते हैं हम 48 कोस की, 48 कोस में कुरुक्षेत्र कहाँ तक आता था आपको दिखाते हैं। ये देखिए कुरुक्षेत्र 48 कोस में आता था, ये जींद से लेकर ये जींद और इधर करनाल तक, ये इधर करनाल तक। जो लोग कहते हैं पानीपत सोनीपत 48 कोस में आता है, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। श्याम जी का जो शीश का दान हुआ वो कुरुक्षेत्र के 48 कोस में हुआ, ये हम आपको बिना प्रूफ के नहीं, प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं। ये देखिए आप गीता जयंती में आइए, और गीता जयंती में आप आएंगे तो आपको यहाँ 48 कोस कुरुक्षेत्र का नज़ारा दिखाई देगा। तो मैं जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, तो मैं सबसे गुजारिश करूँगा इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि आपको 48 कोस का पता लगे। 48 कोस जींद से करनाल, मैं बार बार आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, 48 कोस जींद से करनाल, यहीं पर करण ने सबसे महादान दिया था, और इसी 48 कोस की भूमि में श्याम जी ने अपने शीश का दान दिया था। मैं आप सबको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ 48 कोस, ये महाभारत आप गीता जयंती में आइए और प्रूफ के साथ देखिए। ये महाभारत के अंदर जो भी हुआ, ये आपके सामने मैं प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। और जींद से करनाल ये 48 कोस में आता है। कुरुक्षेत्र 48 कोस ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुरुक्षेत्र 48 कोस, ये क्या महत्व है कुरुक्षेत्र का, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप सबसे ये मेरी गुजारिश है, आप इस वीडियो को शेयर करिए। सूर्य ग्रहण होता है तो कुरुक्षेत्र का अलग स्थान है। आप आइए मैं दिखाता हूँ आपको। कुरुक्षेत्र पर जब ग्रहण लगा था तो श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर आकर अपने पितरों का तर्पण किया था। और ये देखिए ये ब्रह्म सरोवर की मैं दिखा रहा हूँ, ब्रह्म सरोवर पे ये 48 कोस प्रदर्शनी लगी हुई है। आप आइए यहाँ पर और देखिए जरा, ये ब्रह्म सरोवर है, ये एक सूर्य ग्रहण का नज़ारा है जो आप ये देख सकते हैं। और कभी कुरुक्षेत्र आए, जैसे कुंभ का मेला भरता है वैसे कुरुक्षेत्र के अंदर सूर्य ग्रहण पर मेला भरता है। और ये सिख गुरु भी सब कुरुक्षेत्र आए हुए हैं। आप आइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कुरुक्षेत्र आगमन हेतु विश्राम ग्रह, ये देखिए जरा, ये मैं सब आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो यहाँ गीता जयंती में हर एक चीज़ को साफ साफ दिखाया गया है कुरुक्षेत्र के बारे में। और मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, ताकि आपको पता लगे 5वीं सदी हो चाहे कोई भी सदी हो, कुरुक्षेत्र का हर सदी के अंदर एक महानता रही है, और हर सदी में कुरुक्षेत्र का नाम रहा है पूरे विश्व में। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको ये सुंदर कलाकृतियाँ और सुंदर स्थान आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए ज़रा, मैं आपको हर चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ज़रा, और गुलजारी लाल नंदा जी का भी यहाँ पर कुरुक्षेत्र में एक विशेष योगदान रहा है। आप देखिए, मैं गुलजारी लाल नंदा जी को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब ब्रह्म सरोवर बना तो कुरुक्षेत्र में गुलजारी लाल नंदा जी ने ब्रह्म सरोवर बनाने में पूरा अपना योगदान दिया। और आप देखिए, और ये देखिए ज़रा, मैं आपको एक नज़ारा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए आप कुरुक्षेत्र गीता जयंती का नज़ारा देखिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये कुरुक्षेत्र की पहचान के तौर पर गीता जयंती में हर चीज़ दिखाई गई है।